देखो खालत को रंगों में उबाल देखो 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 क्या हो? इतना अच्छा लगा कि आधे में रोक लिया? बकवास था। अरे यार क्या ये सुपर डांसर का ऑडिशन नहीं है? अरे लेकिन सोनी के पास एक ही हिट शो है, मेरे को लगा उसका ऑडिशन ही है। कॉमेडी सर्कस है, फिर से आ रहा है। हाँ सोनी को जरूरत भी है, लेकिन कॉमेडी सर्कस में भी तो यही होता है। अरे इतने साल से तुम्हारा कृष्ण क्या करता है? पहले कैसा डांस करता है, उसके बाद स्टैंड अप करता है। बिल्कुल साउथ इंडियन अन्ना बोल रहा है। अरे चढ़िया, अगर मैं सिंधी जैसा बात करेगा तो तुमको लगेगा कि कोई सिंधी आदमी लखना नत्ते कर रहे। और मेरा ऐसा है कि मैं मराठी में हिंदी बोल सकता है, मतलब मैं बोलेगा मराठी में लेकिन तुमको लगेगा कि हिंदी बोलता है। अता वाटता है कि नहीं था सर? बस यही तो करने का है स्टैंड अप में, इंग्लिश भी बोलने का। चैनल को हाई फाई इंग्लिश वाला स्टैंड अप चाहिए तो बोलता ना इंग्लिश में, अपन को पूरा ए से लेकर जेड तक आता है, ए टू जेड। तुम्हारा पूरा इंग्लिश ए और जेड के बीच में होता है भाई, और अपन जैसा ए टू जेड बोलेगा कोई किसी का बाप नहीं बोल सकता है। लेकिन नहीं आता है तो ये लो, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैंडल, डी फॉर डॉल, ई फॉर एलिफेंट, एफ फॉर फ्रॉग, जी फॉर गुड, एच फॉर हार्ट, आई फॉर आई, जे फॉर जैक, के फॉर केटल, एल फॉर लाइन, एन फॉर मंकी, एन फॉर डोजो, ओ आर एन, पी फॉर एंड, क्यू फॉर क्वीन, आर फॉर रॉयस्टर, टूल, टी फॉर टेबल, यू फॉर बिरला, वी फॉर डब्ल्यू एच, एक्स फॉर जेड, ड्राइवर, जेड फॉर ज़ेब्रा। ये करके देखा, अब ये करके देखा, क्यों फट गई ना? अब इसके बाद भी अगर तुम लोग ने मेरे को नहीं लिया ना तो मैं तुम लोग का हाथ पैर जोड़े करे बाबा, लेना मेरे को, हाँ ले ले। और वैसा भी ना आजकल ना ये आईपीएल की वजह से तुम लोग टीवीआरपी का वाट लगा हुआ है, सब प्रोग्राम के टीआरपी का वाट लगा है। आईपीएल से याद आया, मैं जिस कॉलोनी में रहता ना चेंबूर में, वहां भी ये आईपीएल इंडियन प्रीमियर लीग की जगह डीपीएल होता है, दगड़ू पाटिल लीग, टूर्नामेंट क्रिकेट का है। लेकिन बाहर ऐसा बड़ा बड़ा पोस्टर लगा होता है, उस पर 10-12 कार्यकर्ता अलग अलग पोज में। ये लो भी इतना अजीब है ना कि ऐसा क्रिकेट के टूर्नामेंट के उद्घाटन के लिए ऐसा आदमी को बुलाता है जिसका क्रिकेट से कोई संबंध ही नहीं है। और आज हमारे बीच इस टूर्नामेंट का उद्घाटन करने के लिए आ रहे हैं हमारे डैशिंग शाखा प्रमुख बंडिया मामा। और ये बंडिया मामा ना ऐसा गले में 4 किलो सोना डाल के आएगा, और वो सोने के वजन के ना उसका वॉक ऐसा हो जाता है। बंडिया मामा कम बेड़ोक मामा ज्यादा लगता है। और जब ये बंडिया मामा आता है ना तो इसके पीछे ऐसे इसका 20-25 भांजा लोग भी होता है। इनका सिर्फ एक ही काम है, क्रिएटिव स्लोगन बनाना, 1 रुपए का चिंगम बंडिया मामा सिंगम, ऐसा क्रिएटिव स्लोगन लोग बोलते रहते हैं। और गेट पे ऐसा वो शादी का मंडप पे नहीं होता, ऐसा 2 औरत का मूर्ति लगाता है बंडिया मामा का स्वागत के लिए। वो औरत बैटरी पे चलता है और सुबह से लेके शाम तक सिर्फ नमस्कार करता है। बंडिया मामा आके चला गया, इसका चालू है शाम तक। और टॉस भी एकदम सॉलिड तरीके से होता है। हम लोग क्या एम्पायर ना जेब से कॉइन नहीं निकालता, ऐसा गुटखा का पैकेट निकालता है। और दोनों कैप्टन इधर आओ, ये इंग्लिश में लिखा है और इधर पीछे हिंदी में लिखा है, बोलो हिंदी के इंग्लिश। और ऐसा तो टूर्नामेंट में ना इन लोग बैटिंग के लिए जो एरिया का सबसे छबरी शाइनिंग वाला लड़का होता ना उसको पहले बैटिंग को भेजता है। अपने एरिया में भी है एक MSD मंगल सुकेश दांडेकर। अब ये मंगल सुकेश दांडेकर जो है ना उसका केश ऐसा इधर फेस तक आता है, वो ऐसा स्टाइल मार के बैटिंग करता है। लेकिन ये मंगल का एक बहुत बुरा आदत है, जब भी ये बैटिंग के लिए आता है तो अपनी आइटम को ऐसा ग्राउंड में लेके आता है,
और इसकी आइटम भी माय मंगल बेंडिंग माय मंगल पब्लिक में से आए अपनी क्या सॉलिड माले रे हाँ फुल हाई फाई थे अनुष्का शर्मा लग रही है अरे काय का अनुष्का शर्मा हाँ पिंकी ब्यूटी पार्लर में काम करती है ये सूर्य का नाम है इसका अभी इधर जीन स्टॉक में आई है इसलिए तेरे को हाई फाई लग रही है आधे घंटे पहले देखता था तो एप्रन पहन के ऐसा आईब्रो बनाती थी एक क्लाइंट का आईब्रो आया था छोड़ के आई है ये अनुष्का शर्मा ये मंगल फुल स्टाइल में बैटिंग स्टाइल पहला बॉल डाला मंगल का छगा उधर डीजे स्टार्ट मंगल 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 और ऐसा मंडल के पास ना चीयर लीडर का ऐसा लड़की लोग का बजट नहीं होता है पैसा ही नहीं है ना तो इन लोग ऐसा छोटा छोटा बच्चे लोग को लगाता है चिल्लर लीडर उन लोग ऐसा बनियान निकाल के मंगल 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 और ऐसा सब टूर्नामेंट में एक और चीज देखा मैंने ऐसा कॉमेंट्री के लिए ना लोग ऐसा मंडप बांधता है मंडप वो मंडप में कैपेसिटी रहता है 100 लोग का उसमें 200 लोग चढ़ के बैठता है सबको दिखाने के अपन मंडल का खास है और उसमें इन लोग एक सेलिब्रिटी को भी बुलाते हैं नल्ला सेलिब्रिटी किसी का डुप्लीकेट वो सेलिब्रिटी भी फुल स्टाइल में आता है और उसको देखने के लिए फुल गर्दी और गर्दी में एक आदमी एक कैरेक्टर ऐसा आता है कौन है अरे कौन है अरे मैं खाना खाने को गया था ना देखा नहीं कौन आया गर्दी देख के आया कौन है ये सेलिब्रिटी है चेहरे से सल्ली बोटी लग रहा है और ये सेलिब्रिटी वाले भी सॉलिड चूरन देते सॉलिड मतलब स्टेज पे जाके कुछ भी माइक पे बोल लेगा अच्छा लगा इधर आके बचपन में मैं इसी मैदान में खेलता था हाँ। दो साल पहले इधर नाला था नाले में डूब के खेलता था कह रहे चूरन दे रहा है और उस बीच में एक कैरेक्टर पूरे गर्दी में ऐसा ऐसा करके मंडल का खास आदमी है कैसा भी करके ये मोबाइल लेके स्टेज तक पहुंच जाता है अरे जाने दो ना थोड़ा आगे मेरा काका यहाँ का मेंबर है सर एक फोटो निकालने का ओके हाथ रखू क्या हाँ थैंक यू मी एम द सुपरस्टार ग्रेटेस्ट सर नाम क्या है आपका और जब ये टूर्नामेंट का मैच एकदम पीक पे होता है ना मतलब एक ओवर में 15 रन चाहिए देखना हमेशा एक फावड़ी आंटी फुल मैक्सी पहन के आती है ए भंडारी कौन पर भेजा रहे उसका एग्जाम है ए भंडारी चलो पर हाँ पढ़ने का नहीं तेरे को पढ़ेगा नहीं ना तो बात जैसा रिक्शा चलाना पड़ेगा तेरे को पब्लिक में लोग इसका बाप रिक्शा चलाता है अरे परसों मैंने इसको पूछा तेरा डैड क्या करता है बोला ही इज अ ट्रैवलर हाँ तो बराबर है ट्रैवलर ही है साकी ना का चेक ना का और इंटरनेशनल मैच में ना एम्पायर का बहुत इज्जत होता है मतलब अगर बॉलर ने अपील किया हाउ इज दैट नॉट आउट शिट यार नॉट आउट हम लोग के इधर हाउ इज दैट नॉट आउट काय को नॉट आउट नॉट आउट काय को तू मेरे को क्रिकेट सिखाएगा ये स्टंपलर है साला सचिन मेरे सामने खेल के बड़ा हुआ है किधर स्टार स्पोर्ट्स पे इंटरनेशनल मैच में हर दो ओवर के बाद बॉल चेंज हम लोग के एम्पायर ही चेंज सबसे एंड में पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन आज जो कार्यक्रम यहां हुआ है उसके टाइटल स्पॉन्सर दत्ता वड़ा पाव बेवरेज स्पॉन्सर साइली जूस सेंटर कोलीवाड़ा और हम दगड़ू पाटिल शेठ का भी अभिनंदन करना चाहेंगे क्योंकि काका ने पिछले चार दिन में अपने स्पेशल पर्सनल ड्रम से बाल्टी में लाके मैदान में पानी डाला है उसमें एक बच्चा भाग गया था आओ काका वो जो स्वागत के लिए मूर्ति लगाया था ना नंदू ने उसका एक हाथ तोड़ दिया है अब वो मूर्ति नमस्कार की जगह सलाम कर रहा है हाँ तो ठीक है ना शाम को उस्मान भाई का शादी है उसके गेट पे लगा देंगे आते आते वाले लोग को सलाम करते रहेगा चलता हूँ